नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ MGSU एग्जाम पैटर्न 2021। यानी दोस्तों जो MGSU यूनिवर्सिटी है उसका जो टाइम टेबल है दोस्तों जारी हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा। लेकिन आप में से काफी स्टूडेंट की जो शंकाएं हैं वो ये है कि MGSU का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है फाइनल ईयर के लिए वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही में जो आपका जो टोटल होने वाला है, आपका एग्जाम किस प्रकार से आने वाला है, साथ ही में जैसे एक विषय के जैसे 5 या 6 पेपर होते हैं तो वो एक दिन में कंप्लीट कराए जाएंगे या दूसरे दिन में जाकर वो कंप्लीट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे BSc के जो भी स्टूडेंट है उनका टाइम टेबल जारी हो चुका है। जैसे 12 अगस्त से सभी स्टूडेंट की परीक्षाएं होने वाली है, 12 अगस्त से 27 अगस्त। तो आपको मालूम होगा दोस्तों जैसे कि ये मतलब कि 10 से 15 दिन है, 10 से 15 दिन में आप अपनी पढ़ाई मतलब कि अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे 12 अगस्त से आपकी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके पास जैसे 10 दिन बाकी है। तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे आपका जो टाइम रहेगा दोस्तों, जो आपके पेपरों का जो टाइम रहने वाला है वो सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 तक रहने वाला है। यानी जो आपका एक फर्स्ट पेपर रहेगा उसका टाइम ये रहने वाला है। और वैसे आप सभी को मैं बता दूं, जो आपका हर पेपर होगा उसका जो टाइम रहने वाला है वो 1.5 घंटे रहने वाला है। तो जैसे फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो उसका टाइम रहेगा 8 बजे से लेकर 9:30 तक, और जो सेकेंड पेपर रहेगा उसका टाइम रहेगा 9:40 से लेकर 11:10 तक। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जैसे मतलब कि ये टाइम हो जाता है 3 घंटे 10 मिनट का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे देख सकते हो यहाँ पर आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। तो इस ये 10 मिनट का टाइम इसलिए आपको दिया गया है, जैसे आप मतलब कि कोई भी मतलब कि टॉयलेट वगैरह जाना चाहता है या मतलब कि आपके जो नेक्स्ट पेपर दिया जाएगा उसके लिए जो टाइम चाहिए होता है वो इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जैसे MGSU यूनिवर्सिटी ने वैसे तो UGC की जो भी गाइडलाइंस है उनका एक तरह से क्रॉस ही किया है, क्योंकि UGC का जो फैसला था उसमें बताया गया था कि जो सभी जो यूनिवर्सिटी है वो 31 तक अपने जो भी एग्जाम है फाइनल ईयर के वो कंप्लीट करवा ले। लेकिन जो MGSU यूनिवर्सिटी है उसने ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब कि कुछ भी कारण हो गया, जैसे कि 12 अगस्त से तो उनके पेपर ही स्टार्ट हो रहे हैं तो ये काफी मतलब कि अगस्त सितंबर में जाकर कहीं जाकर कंप्लीट होने वाले हैं। इसी के बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आप में से काफी स्टूडेंट है जिनके मन में अभी भी शंका है मतलब कि जैसे एक विषय के जैसे 5 या 6 पार्ट है। तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे आप में से काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जैसे मतलब कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी उनमें जैसे एक ही दिन में मतलब कि एक विषय के जो 5 या 6 पार्ट है तो उनके एक ही दिन में पेपर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको जैसे यहाँ पर आप मान सकते हैं जैसे 5 पार्ट है, जैसे केमिस्ट्री विषय मान लीजिए जैसे 5 पार्ट है इसके, तो आपके लिए मतलब कि एक दिन में 2 ही पेपर करवाए जाएंगे जो कि 3 घंटे में होने वाले हैं। दोस्तों 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा तो एक दिन में 2 ही करवाए जाएंगे, बाकी के जो 3 बचते हैं दोस्तों वो आपको अगले दिन करवाए जाएंगे। जैसे इनमें से 2 और अगले दिन और जो 1 बचेगा वो लास्ट के दिन। इस प्रकार से आपका रहने वाला है जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपके पेपरों का, वो इस प्रकार से रहने वाला है। तो इसी के बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो आपकी 12 यूनिट की बाध्यता है वो यूनिट की बाध्यता बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जैसे पहले क्या होता था चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले जैसे 1 यूनिट है या जैसे 2 यूनिट है तो इनमें कंफर्म होता था कि जैसे 2 यूनिट है इसमें जैसे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन करना बिल्कुल अनिवार्य होता था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको जैसे मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर, जैसे आपके जैसे एक तो 100% का जो पूर्णांक होता है, चाहे 60% का पूर्णांक आए, जो आपके पेपर में जो पूर्णांक आता है चाहे 100% का है चाहे 60% का है, आपको इनका मतलब कि 50% ही करना है। जैसे 100 का ओनली 50% और जैसे 60% आ जाए तो इसका ओनली 30% ही आपको वहां पर क्लियर करना है। इसी के बाद जैसे यहाँ पर 30% है, आप इसके अबाउ कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको 30 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। इसी के बाद जैसे आप 10 नंबर का और ज्यादा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते हो तो इसके आपको कुछ भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। और साथ में मतलब कि चेक भी करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इसका नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसी के बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जैसे काफी यूनिवर्सिटी है, जैसे यहां पर आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है, एग्जाम पेपर पैटर्न, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं दोस्तों, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और इसी के साथ सेक्शन
सी। तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है एमएलएसएन मोहनलाल सुकोड़िया यूनिवर्सिटी, उसने जो सी सेक्शन है यहाँ पर देख सकते हो, सी सेक्शन जो इसको मतलब कि बिल्कुल अठा दिया गया है दोस्तों, ओनली वहां पर दो सेक्शन ही लागू है, जैसे ए और बी सेक्शन, इन्हीं में जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में 50% आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अभी एमजीएसयू का देखो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि जो एमजीएसयू का जो एग्जाम पैटर्न जारी होने का ऑफिशियल मतलब कि नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका एग्जाम पेपर पैटर्न हो सकता है साथ ही में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर सेक्शन ए देख सकते हो दोस्तों आप, सेक्शन ए में जैसे आपके जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, ए में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में आपको जैसे 5 क्वेश्चन, या आप मान लीजिए जैसे अथवा में रहते हैं तो आप ऐसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी के बाद जैसे सेक्शन सी रहेगा, सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इनमें आपको अटेम्प्ट कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि जैसे आपको 10 क्वेश्चन दिया गया, इनमें से मैं आपको बता दूं रियली में दोस्तों आपको जैसे 5 या 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो वैसे मैं आपको बता दूं जैसे सेक्शन ए रहता है इनमें ज्यादातर होता है, वैसे जैसे पहले जो एग्जाम पेपर आते थे उनमें हर मतलब कि जो सेक्शन ए में जितने भी जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार ऐसा चाहे हो या ना हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही मतलब की पॉसिबिलिटी है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसी के बाद जैसे सेक्शन बी में आप देख सकते हो, सेक्शन बी में जैसे आपके 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में आप मतलब कि 3 या 4 क्वेश्चन ही आपको मतलब कि अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और साथ ही में आप सभी को मैं बता दूं जैसे यहां पर सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, जैसे अब की बार कोई मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया यूनिट की कोई बाध्यता नहीं रहने वाली है, अगर आप जैसे कोई सी भी यूनिट है जैसे आपको जैसे 5 यूनिट आई तो आप में से जरूरी नहीं कि हर यूनिट में, जैसे पहले क्या होता था हर यूनिट में जैसे 2 क्वेश्चन फर्स्ट में, 2 सेकंड, 2 थर्ड, 2 फोर्थ, 2 फिफ्थ, तो ऐसे मतलब कि एक तरह से एक निश्चित होता था कि हर यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते थे। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको अथवा में क्वेश्चन मिल सकते हैं और साथ ही में आप कोई भी यूनिट का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपके लिए मतलब कि जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे एक यूनिट के ही आपको 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक यूनिट के ही कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आप दूसरी यूनिट के भी क्वेश्चन करो, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है। इसी के बाद जैसे आपको यहां पर मैंने बता दिया जैसे सी सेक्शन रहेगा, सी सेक्शन में आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी के बाद जैसे मैंने आपको यहां पर बता दिया दोस्तों, और जैसे मतलब कि आपको मैं बता दूं जैसे आपकी एक तो अच्छी तरह से अच्छी परसेंटेज बन जाए और साथ ही में आप अच्छे अंकों से पास हो जाए, तो इसी के लिए आप जैसे यूनिट है जैसे 5 यूनिट है तो आप उनमें से 5 यूनिट में से 2 या 3 यूनिट ही पढ़ लेना, जैसे 50% में इतना ही बाकी रहता है तो आप जैसे 2 यूनिट बिल्कुल क्लियर कर ले तो एक तरह से आपको इनको तो रट लेना है 2 यूनिट को, तो मतलब कि जैसे एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे तो आपका मतलब कि एक तरफ से बेड़ा पार हो जाएगा। और जैसे अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो आपको पूरा भी पढ़ना पड़ सकता है। वैसे मैंने आपको बता दिया जैसे 2 यूनिट रहती है, आप 2 यूनिट को तो बिल्कुल एक तरह से क्लियर कर लेना है आपको। जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया ऊपर की तरफ आप यहां पर देख सकते हो जैसे 12 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं जो भी बीएससी की स्टूडेंट है, और 27 तक खत्म होने वाले हैं इनकी। इसी के बाद जैसे बीए बीकॉम और बीसीए वगैरह एमकॉम वगैरह इनके भी स्टूडेंट्स के भी एग्जाम होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बताता हूं जैसे आपका 70 नंबर का जो पूर्णांक बनेगा वो किस आधार पर आपका बनने वाला है, जैसे मैं आपको फिर से यहां पर लिखकर बताता हूं। जैसे आपका एक तो सेक्शन ए रहने वाला है, सेक्शन बी, इसी के बाद आपका सेक्शन सी। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था दोस्तों जैसे 10 क्वेश्चन आने वाले आपके सेक्शन ए में, वैसे ज्यादातर तो चांसेस रहते हैं दोस्तों जैसे 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वैसे मैंने आपको मान कर चल रहे हैं हम तो यहाँ पर। इसी के बाद आप जैसे 5 क्वेश्चन मान लीजिए सेक्शन बी में क्वेश्चन, इसी के बाद आप जैसे सेक्शन सी में मैंने आपको बताया जैसे 5 क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है ओनली एक क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेने यहाँ पर। इसी के बाद जैसे आप यहाँ पर करते हैं जैसे
मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 20 नंबर के, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे 2-2 नंबर के भी आते हैं, जैसे ए सेक्शन में जो हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है वो 2-2 नंबर के भी आते हैं, तो आपके जैसे 20 नंबर तो यहाँ पर हो जाते हैं। इसी के बाद जैसे 5 नंबर का ये है, तो ये जो सेक्शन बी रहता है दोस्तों उसमें ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे कई बार तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, कई बार एक क्वेश्चन ही 4 नंबर का आ जाता है, तो अपन मान के चलते हैं 4 नंबर, तो यहाँ पर हो जाते हैं फिर से 20 यहाँ पर हो जाते हैं। इसी के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो सेक्शन सी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे सेक्शन सी का आप सभी को मालूम होगा जो सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि अति लघु उत्तरात्मक जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, जो मतलब कि ज्यादा कम से कम मानो तो आप 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ही 10 नंबर का आता है, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए 10 तो 30, तो यहाँ पर आप लगा लेना 30 + 20 = 50 + 70, यहाँ पर आपको 70 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर जैसे अपन तो मान के चल रहे हैं, अगर मतलब कि वैसे भी अभी जैसे आपके एग्जाम होने में 12 अगस्त से आपके एग्जाम होने वाले हैं, और एग्जाम में भी अभी काफ़ी आपके टाइम है, अगर उससे पहले कोई मतलब कि कॉलेज की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आता है आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप उसको मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा उस एग्जाम पैटर्न को, लेकिन ज्यादातर तो आपका जो एग्जाम रहने वाला है दोस्तों वो इसी आधार पर रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक तरह से बोला जाता है कि मोटा मोटा बिल्कुल आपको एक तरह से बता दिया है, जो एक तरह से ढांचा होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जैसे 70 नंबर आपके इस प्रकार से जुड़ने वाले हैं, इनमें से ही आपको 35 नंबर लेने हैं दोस्तों, जैसे 50% रहता है तो 35 नंबर लेने हैं, इन्हीं में से जैसे कम हो जाते हैं कई क्वेश्चनों में, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 या 3, इसी प्रकार से जैसे 10 है 10 की जगह एक क्वेश्चन होगा 1 × 10, इसी प्रकार से आपके जैसे 10 नंबर के हो जाते हैं, इसी प्रकार के आपके 35 नंबर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो एग्जाम पैटर्न रहता है आपका, जो भी MGSU यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, आप सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया है, और यहाँ पर एक बार और ऊपर क्लियर कर दूं मैं आपको, जैसे आपका जो टाइम रहने वाला है दोस्तों, एक तो जैसे 2 पारियों में रहने वाला है, एक फर्स्ट पारी तो रहने वाली है आपकी 8 बजे से लेकर 11:10 तक, यानी 3 घंटे 10 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था 8 से लेकर 9:30 के बाद जैसे 9:40 से लेकर 11:10 तक, तो यहाँ पर ये 10 मिनट का टाइम मैंने आपको बता दिया कि ये 10 मिनट का टाइम आपको मतलब कि थोड़ा एग्जाम की जो फर्स्ट एग्जाम रहता है उसकी कॉपी एकत्रित करने में, और दूसरे एग्जाम का जो पेपर है वो बांटने के लिए जो टाइम मिलता है, और साथ ही में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जानने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे पहले कई अपडेट आए थे उनमें बताया गया था कि 5 मिनट का टाइम मिलने वाला है, लेकिन अभी MGSU के अनुसार तो ये बताया जा रहा है कि 5 मिनट का आपको टाइम मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ मेन मेन है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है MGSU यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन पुटअप होता है आपके मन में आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।